हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज के सेशन में हम बात करेंगे पर्टिकुलर एक सिम्टम के ऊपर। वो सिम्टम आपका नेल से रिलेटेड है, यानी आपके नाखून से रिलेटेड है। तो नाखून में होने वाली जो भी डिजीज़ होती है, जो कि आजकल डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा दिख रही हैं, जिसकी वजह से पेशेंट ओपीडी में जा रहे हैं और चेक करा रहे हैं, तो कुछ सिम्टम्स जो बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है, वैसे सिम्टम्स मैं निकाल के रखा हूँ। वैसे सिम्टम्स को एक एक करके आपसे डिस्कस करूँगा, और उसमें से कोई भी सिम्टम आपको हो तो वैसी जो रेमेडी बोल रहा हूँ वो रेमेडी जरूर ले सकते हैं अपने नज़दीकी फिजिशियन को कंसल्ट करने के बाद। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारे सिम्टम आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मानवेंद्र पांडे, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, नेल्स जो टॉपिक है उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो डिस्कस कर लेते हैं। तो नेल्स की एट्रोपी हो जाना, एट्रोपी कहने का मतलब है कि सिकुड़ापन, किसी भी चीज का अगर सिकुड़ा के उसका आकार छोटा हो जा रहा है तो उसको हम एट्रोपी कहते हैं। तो नेल्स जो होती है हमारी, नाखून अगर सूख के छोटा होने लग रहा है, देखने में काफी ज्यादा साइज घटने लग रहा है, तो उस कंडीशन में सिलिसिया जो मेडिसिन होती है होम्योपैथी की, बहुत कारगर साबित होती है। सिलिसिया आप 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ले सकते हैं, इससे जो एट्रोपी है नेल्स की उसमें बहुत हद तक सुधार देखने को मिल जाता है। दोस्तों, जो दूसरी सिम्टम है जो कि बहुत ही ज्यादा चल रही है आजकल, वो है ब्लूनेस, यानी उसको साइनोसिस भी कहते हैं। अब नेल्स में साइनोसिस देखना यानी बहुत सारे डिजीज के संकेत हैं। तो आपको अगर आपके नेल्स में साइनोसिस दिख रही है, यानी आपकी जो नाखून है वो ब्लू कलर का दिख रहा है, तो समझिए आपको साइनोसिस है, जिसका और भी ज़्यादा डिजीज हो सकता है। तो ज़रूर कंसल्ट कराइए अपने नज़दीकी फिजिशियन से। लेकिन आमतौर पे अगर ब्लूनेस दिखाई दे रहा है, आमतौर पे साइनोसिस नेल्स में दिखाई दे रहा है, तो उस कंडीशन में सबसे बेस्ट होम्योपैथी की मेडिसिन होती है डिजिटेलिस और ऑक्जैलिक एसिड। ये जो दो मेडिसिन है, डिजिटेलिस और ऑक्जैलिक एसिड, ये काफ़ी प्रयोग होता है, काफ़ी हद तक पेशेंट को राहत भी देता है। दोस्तों, तीसरा जो पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो थीकेंड यानी नेल्स का मोटा हो जाना, जिसे हम ऑन्कोग्राइफोसिस भी कहते हैं। तो नेल्स का थिक हो जाना ऑन्कोग्राइफोसिस कहलाता है, जिसमें होम्योपैथी कि एंटिम क्रूड और ग्रेफाइटिस, ये दो मेडिसिन आप हमेशा याद रखिए, एंटिम क्रूड और ग्रेफाइटिस 200 पोटेंसी में आप ले सकते हैं सुबह दोपहर शाम 5-5 बूंद, आपको बहुत हद तक रिजल्ट अच्छा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट सिम्टम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सिम्टम है फॉलिंग ऑफ, यानी नाखून जो है बार बार गिर जाता हो, बार बार झड़ जाता हो। एक बार नाखून अगर आए तो बहुत जल्दी वो डीके हो जाता हो, सड़ने लगता हो, जो कि नॉर्मल तरीका नहीं है। तो उस कंडीशन में आप एक होम्योपैथी की बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जिसका उपयोग कर सकते हैं, जिसका नाम है हेलीबोरस। हेलीबोरस नाइगर मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो आपकी जो फॉलिंग ऑफ की समस्या है वो बहुत हद तक बेटर हो जाएगी। नेक्स्ट सिम्टम की अगर हम बात करें तो वो है इंजरी टू मैट्रिक्स, यानी आपका जो नाखून है उसका किसी भी एरिया में, दोनों साइड का जो एरिया होता है उसमें कहीं भी अगर आपको चोट लग जाए या फिर कहीं भी नाखून में आपको चोट लग जाए, तो उस कंडीशन में आप हाइपेरिकम का यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, कई बार पस का फॉर्मेशन हो जाता है, पस के फॉर्मेशन होने के बाद से उसमें से जो येलो कलर के डिस्चार्ज होते हैं वो निकलना चालू हो जाता है, और बहुत पेनफुल सिचुएशन होता है उसके, उस टाइम पे काफ़ी हद तक स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, उसके साथ साथ पस फॉर्मेशन और नाखूनों में डिजीज़ देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन में आप पहले ही हाइपेरिकम ले लेंगे तो वो एज ए प्रोफेलेक्टिक रेमेडी हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट सिम्टम की तरफ चले तो वो है बर्निंग पेन। आपके नाखून में अगर जलने जैसा दर्द हो रहा हो, आपको लगे कि दर्द हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा जल रहा हो, बहुत ही ज़्यादा जलने के वजह से आपको बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, उस समय आपको नमनेस, टिंगलिंग जैसे सिम्टम भी देखने को मिलती है, तो उस कंडीशन में सबसे बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन होती है सारसापरेला। सारसापरेला आप 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम यूज़ करने से 30 दिन के अंदर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट रेमेडी की बात करें तो ग्नॉइंग लाइक सेंसेशन, यानी लगता है कि कोई तो दांतों से काट रहा है। तो अगर काटने जैसा समस्या हो, आपके नाखून में लगे कि बार बार बाइटिंग किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में सबसे बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन होती है एल्यूमिना। एल्यूमिना का यूज कर सकते हैं। और अगले सिम्टम की तरफ चले तो वो है व्हाइट स्पॉट। अगर आपके नाखून पे बहुत ही ज्यादा व्हाइट स्पॉट दिखे, तो उस कंडीशन में व्हाइट स्पॉट में आप एल्यूमिना का यूज कर सकते हैं, नाइट्रिक एसिड का यूज कर सकते हैं। ये दोनों मेडिसिन बहुत हद तक बेटर रिजल्ट दिखाती है, पेशेंट काफी हद तक बेटर हो जाते हैं। इसकी जो लास्ट सिम्टम मैंने रखा है वो बहुत ही ज्यादा आजकल चल रहा है, येलो कलर, नाखून का पीला हो जाना बहुत बार देखा जा रहा है। तो
वहाँ पे आप कोनियम का यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। कोनियम मेडिसिन जो होती है वो येल्लोनेस, जो कि पीलापन नाखून का हो जाता है, ऐसे सिम्टम को दूर करने में बहुत हद तक बेटर साबित होती है। तो आई होप आपको ये सारे सिम्टम समझ में आ गए होंगे, सारी रेमेडीज समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, कुछ और आपको पढ़ना है, कुछ और जानना है तो वो भी बता दीजिएगा, उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये सारी सिम्टम्स समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई रेमेडी के साथ या फिर नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए। धन्यवाद।